Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनका वजन बढ़ाने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए। हम सभी को जो गोल मोटोल बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्यारे लगते हैं और हम ये जरूर से चाहते हैं कि हमारे बच्चे का वजन भी अच्छे से बढ़े। तो कुछ चीजों का ध्यान आपको जरूर से रखना चाहिए, जैसे कि आपको हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड जरूर से कराना है, क्योंकि अक्सर जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो ज्यादा समय के लिए सोते हैं। तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो, वो ज्यादा समय के लिए सोया हुआ रहेगा तो वो भूखा रहेगा और उसका वेट गेन अच्छे से नहीं होगा। तो बच्चा अगर सो रहा है फिर भी आपको उसको अपनी गोद में लेकर के ब्रेस्ट उसके माउथ में दीजिए और हल्का सा उसके कानों के पीछे टिकल कर सकते हो, उसके पैरों में थोड़ी सी गुदगुदी करोगे तो वो जरूर से उठकर ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर से कराना है। और रात में आप क्या कर सकते हो कि रात में आप 3 से 4 घंटे के लिए बच्चे को सोने दे सकते हो, लेकिन 3-4 घंटे के बाद आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि वो रोएगा तब हमें ब्रेस्ट फीड कराना है, हर 2 से 3 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीड जरूर से कराना है। जैसे 24 घंटे में से आपको एटलीस्ट 10 से 12 बार न्यूबॉर्न बेबीज को ब्रेस्ट फीड जरूर से कराना चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है। अच्छे से मेरा यहाँ पर मतलब है कि आपको बच्चे को तब तक ब्रेस्ट फीड कराना है जब तक ब्रेस्ट खाली नहीं हो जाती है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि 5 मिनट के लिए बच्चे को एक ब्रेस्ट से दूध पिलाएंगे फिर हम बच्चे को दूसरी ब्रेस्ट के ऊपर लेकर के जाएंगे। ये आपको नहीं करना है। बच्चे को दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाना जरूरी है, लेकिन पहले एक ब्रेस्ट आपको अच्छे से एम्प्टी करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेस्ट में से शुरू में जो दूध आता है वो थोड़ा सा पतला होता है, वहां पर पानी ज्यादा होता है, और पीछे से जो दूध आता है वहां पर फैट ज्यादा होती है, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो एक ब्रेस्ट एम्प्टी हो जाए तब तक आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेंगे और फिर आप बच्चे को दूसरी ब्रेस्ट के ऊपर लेकर के जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि एक ब्रेस्ट से दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को सुला दीजिए। आप मेक श्योर करें कि दूसरी बार जब भी बच्चा उठता है तो आप बच्चे को दूसरी ब्रेस्ट के ऊपर लेकर के जाएंगे। तो एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए अगर आप एक ब्रेस्ट से दूध पिलाएंगे तो बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेंगे और पीछे का गाढ़ा दूध भी बच्चे को जरूर से मिलेगा। तो ये भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी चीज है कि आपको आपकी डाइट के ऊपर जरूर से ध्यान देना है। जितनी हेल्दी डाइट आपकी होगी आपकी दूध की क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें बच्चे को भी मिलेगी। तो आपको आपकी डाइट में सारी चीजें, जैसे सारी दालें, सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, ये सारी चीजें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी है। आपको हेल्दी डाइट लेना है ताकि आपकी दूध की क्वालिटी इंक्रीज हो और बच्चे के वेट गेन में भी मदद मिले। अगर आपको दूध कम आता है तो आप अजवाइन का पानी ले सकते हो, आप मेथी का पानी ले सकते हो, आप जीरे का पानी ले सकते हो, आप खसखस खा सकते हो, तो इससे भी दूध बढ़ता है और बच्चा आपका भूखा नहीं रहेगा। तो आपकी दूध की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बच्चे का वेट गेन भी अच्छे से होगा। तो आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। इसके अलावा आपको बच्चे को बीमारियों से भी बचाना है, क्योंकि अगर बच्चा बार बार बीमार हो जाएगा तो वो क्रैंकी हो जाएगा, रोता रहता है, दूध अच्छे से नहीं पिएगा, नींद अच्छे से नहीं लेगा, तो उसका वेट गेन भी अच्छे से नहीं होगा। तो बीमारियों से बचाने के लिए आपको वैक्सीन टाइम से जरूर से लगवाना है, क्योंकि ये भी बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा आपको हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है, साफ सफाई बनाए रखें, और गर्मी अगर कोई बीमार है, जैसे किसी को सर्दी जुकाम है, फीवर है, तो उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, वो बहुत ही जल्दी उनको इन्फेक्शन कैच हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो बच्चे को बीमारियों से भी आपको जरूर से बचाना है। और आप बच्चे की मालिश भी जरूर से करें, जैसे दिन में एटलीस्ट 1 बार, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप दिन में 2 बार भी मालिश कर सकते हो। जैसे अगर गर्मियों का मौसम है तो मालिश करने के लिए आप नारियल का तेल यूज कर सकते हो, जैसे विंटर है या मॉनसून है तो आप बादाम का तेल, जैतून का तेल यूज कर सकते हो। तो दिन में 1 से 2 बार आप मालिश भी जरूर से करें, इससे भी बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में मदद होती है, बच्चे का वेट गेन होता है। तो एटलीस्ट 1 साल के लिए आपको बच्चे की मालिश जरूर से करनी चाहिए। और आपको बच्चे को एटलीस्ट 1 साल के लिए विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप्स भी जरूर से देने चाहिए। अक्सर हमें पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कई बार हम स्किप कर देते हैं, नहीं देते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है, ये भी जरूरी है,
क्योंकि अक्सर जो 6 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और माँ के दूध में विटामिन डी, विटामिन सी के अलावा सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो अगर आप विटामिन डी के ड्रॉप्स नहीं देते हो तो इसकी कमी बच्चे की बॉडी में हो जाएगी। तो विटामिन डी या मल्टी विटामिन ड्रॉप्स भी एटलीस्ट 1 साल के लिए देना जरूरी है। ये भी बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए, बच्चे के वेट गेन के लिए जरूरी है। इसके अलावा बच्चे की अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। जैसे कई बार क्या होता है कि अक्सर जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो बहुत सारे विजिटर हमें मिलने के लिए आते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चा अगर सो रहा है फिर भी हम उसको उठाकर विजिटर के हाथ में दे देते हैं, उनकी गोद में दे देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आप बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करने के लिए उठाओगे, इसके अलावा आपको बच्चे की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। बच्चा अगर अच्छे से सोएगा तो ये भी बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के वेट गेन में मदद करता है। तो बच्चे को अच्छी नींद सोना भी जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपके बच्चे का वेट गेन भी अच्छे से होगा। बर्थ के समय अगर बच्चे का वेट 3 kg था तो जब वो 6 मंथ का हो जाएगा तो उसका वेट डबल हो जाना चाहिए, जैसे 6 kg हो जाना चाहिए। इस हिसाब से अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है तो डेट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही कम है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।